नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप शीर्षक में देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है वो है वार्ट्स के बारे में या फिर मस्से के बारे में। तो आइए इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि मस्से क्या होते हैं। अब मस्सों को लेकर जो थ्योरी है वो बेसिकली यह है कि एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से मस्से जो हैं दे आर द रिज़ल्ट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इन लोगों के हिसाब से जो मस्से होते हैं वो ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और यही इकलौती थ्योरी है एलोपैथी के अंदर प्रचलन में है कि ये HPV के इन्फेक्शन की वजह से एक पेशेंट को मस्से होते हैं। तो इसकी परिभाषा और इसका कॉजेशन दोनों बिल्कुल सेम है कि द वार्ट्स आर द रिजल्ट और वार्ट्स आर द स्किन लीसन विच आर कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस, दैट्स इट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वार्ट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन। अब आते हैं इसके होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अलग होता है मस्से का एज कम्पेयर टू द मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि मस्से जिन लोगों को होते हैं, होम्योपैथी में मस्से होने का कारण जो बताया गया है वो है साइकोटिक इनहेरिटेंस SYCOTIC, नॉट PSY। मतलब ये वो साइकोसिस, साइको वाला साइकोसिस नहीं है, ये साइकोसिस है। साइकोसिस कौन सा? SY वाला साइकोसिस, जो कि होम्योपैथी के अंदर एक मायजम बताया गया है। मेरे आम लोगों के लिए, नॉन मेडिकल व्यूअर्स के लिए इन बातों को समझना थोड़ा सा कठिन होगा, पर अगर वो ध्यान देंगे और थोड़ी रिसर्च करेंगे तो इसके बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। पर जो मेरे डॉक्टर बंधु हैं और जितने प्रैक्टिशनर हैं, ये जो पार्ट है वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि वार्ट्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोटिक मायजम एज पर द होम्योपैथी। ठीक है, तो ये क्या कर रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक पेशेंट के मायजम को रिप्रेजेंट करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली द पेशेंट बिलोंग टू द साइकोटिक मायजम। अब जो आम लोग हैं जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि होम्योपैथिक थ्योरी के अंदर मायजमेटिक थ्योरी होती है। होम्योपैथी के अंदर मायजमेटिक थ्योरी होती है और मायजमेटिक थ्योरी का मतलब है, मायजम को समझने का जो एक शॉर्ट तरीका है वो ये है कि ऊपर वाले ने मनुष्य को बनाते वक्त तीन प्रकार की गलतियां करी। वो तीन प्रकार की जो गलतियां थी वो थी सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, मायजम उसके अंदर डाल देना। और ये जो तीन प्रकार की गलतियां करी, इन्हीं गलतियों को हम बोलते हैं सोरा मायजम, सिफिलिटिक मायजम और साइकोटिक मायजम। अब मायजम क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक मायजम के कारण एक पेशेंट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजीजेस के प्रति प्रॉन रहता है। कहने का मतलब, सोरिक मायजम का जो पेशेंट होगा वो स्किन डिजीज़ और एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजीज़ के लिए प्रॉन रहेगा कि उसको वो ही चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं पे सिफिलिटिक मायजम जो रहेगा उसके अंदर, जैसे सिफिलिटिक मायजम का जो कीनोट डिस्ट्रक्शन बताया, तो उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसी तरह से एकदम एंटायरली डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होगा जो कि एक साइकोटिक मायजम के पेशेंट के अंदर पाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, वार्ट्स आर द मैनिफेस्टेशन और द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइकोटिक मायजम। तो हमने ये समझा नॉर्मल लैंग्वेज में कि वार्ट्स क्या होते हैं। अब वार्ट्स के अंदर समझने वाली कुछ चीज़ें और हैं, जो है कि इसके साथ एक वार्निंग जुड़ी हुई है, क्योंकि होम्योपैथिक फिलोसफी में इसको साइकोसिस का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया गया, तो इसके साथ एक बहुत बड़ी फिलोसफी जुड़ी है। अब साइकोटिक मायजम को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो पर साइकोटिक मायजम के लक्षण क्या है? वार्ट्स होना, लाइपोमास होना, जो स्किन के नीचे लिपिड लिडन ट्यूमर्स होते हैं, छोटे छोटे लाइपोमा जो वसा से चर्बी की गांठें बन जाती हैं, वो होना, ट्विंस जुड़वा बच्चे होना, ठीक है ना, लिपिड प्रोफाइल, मतलब एक साइकोटिक पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल जो रहता है, कोलेस्ट्रॉल आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़ेंथोलेशमा, आपने देखा होगा कई पेशेंट्स को आँख के पास यहाँ पे चर्बी जमा हो जाती है, वो जो चर्बी होती है उसको ज़ेंथोलेशमा बोलते हैं।
तो ये मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ये जो हैं सारे के सारे जो सिम्टम हैं साइकोसिस के, कि एक साइकोटिक पेशेंट के साथ जो कुछ रिस्क जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक साइकोटिक पेशेंट इज़ मोर प्रोन टू द कार्डियोवास्कुलर रिस्क। एक साइकोटिक पेशेंट है, अगर आपको आज मस्से हो रहे हैं, अगर आपको आज लाइपोमास बन रहे हैं, अगर आपको सेंटोलेश्मा बन रहा है, तो ये स्टडी में पता चला है कि एक होम्योपैथिक रिसर्च के अंदर सामने आया है कि जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं उन्हीं को कार्डियक अरेस्ट या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा रहता है। साइकोटिक जो केसेस रहते हैं उन्हीं को ओल्ड एज के अंदर BHP बिनाइंग हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट की रिस्क ज़्यादा रहती है। एक साइकोटिक पेशेंट का ही लिपिड प्रोफाइल आउट होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। तो कहने का मतलब है कि एक साइकोटिक पेशेंट के लिए साइकोटिक मायज़म ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि ही विल बी लाइबल टू हैव हार्ट डिजीज़ इन द फ्यूचर। तो उसके रेस्पेक्ट में इस वार्निंग को देखते हुए उसको लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में रखना चाहिए, उसको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, उसको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक है ना, उसको अपना घी और तेल वसा का जो सेवन है वो कम करना चाहिए। तो ये सबसे इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर एक पेशेंट को वाट्स हैं, इससे ये पता चलता है कि वो एक साइकोटिक पेशेंट है, माफ़ कीजिएगा, वो एक साइकोटिक पेशेंट है। और अगर वो एक साइकोटिक पेशेंट है तो ही इज़ एट द वर्ज ऑफ मैनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। मतलब इसको, क्योंकि साइकोटिक पेशेंट्स के अंदर इन लोगों का लिपिड मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं जो है वो डिटोरिएटेड रहता है, और जो चमड़ी पे मस्सा हो रहा है वो कहीं ना कहीं यही बता रहा है, देखिए आज अगर कुछ हो रहा है तो वो कल कुछ होने वाली चीज़ की तरफ इशारा करता है, ठीक है ना। स्किन डिजीज़ की होम्योपैथिक थ्योरी क्या है कि भाई वेन एवर द एनी इंटरनल ऑर्गन डे गेट इन्वॉल्व और गेट अटैक्ड बाय एनी टाइप ऑफ डिजीज़, तो बॉडी फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन उसको रिफ्लेक्ट कर देती है स्किन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ स्किन डिजीज़, सो दैट कि वो ऑर्गन जो रहता है वो ऑर्गन बचा रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक बार और रिपीट करता हूँ। जब भी कोई इंटरनल महत्वपूर्ण ऑर्गन कोई डिजीज़ के फोर्स के संपर्क में आता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑर्गन क्या करता है या बॉडी क्या करती है, उस डिजीज़ को स्किन डिजीज़ में बदल देती है और उसको सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ स्किन डिजीज़ और अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। ये थ्योरी स्किन डिजीज़ की थ्योरी है जो होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छे से बताई गई है और यही थ्योरी यहाँ पर भी लागू होती है। अब वो डिपेंड करता है कि स्किन डिजीज़ किस टाइप का है, उससे अपन को एक रिलेशन अपन निकाल सकते हैं कि विच प्रोबेबली विच ऑर्गन इज गॉट इन्वॉल्व्ड। तो इन दिस केस वार्ट्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोटिक मायज़म एंड ड्यू टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोटिक मायज़म द पेशेंट्स who right now having the warts may have the other symptoms of psychotic miasm as well. That means they can have the lipomas, they can have the dyslipidemia, they can have the obesity. Obesity is yet another symptom of psychotic miasm. They can have the raised cholesterol in their blood, they can have the xanthomasia and or they can have the cardiovascular disease in the future. So, मैं समझता हूँ आप मेरे पॉइंट को समझ गए हैं कि मैं क्या बताना चाहता था यहाँ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है वार्ट के संदर्भ में समझना। तो दोस्तों अब अपन अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ वार्ट। अब देखिए एलोपैथी के हिसाब से जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिया देने वाला क्लासिफिकेशन बताया गया है। दे आर क्लासिफाइंग द वार्ट्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन दे हैड नेम्ड द वार्ट्स। तो मैं यहाँ पे लोगों को और कन्फ्यूज, पहले ही बहुत कन्फ्यूज है, मैं और कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। सिर्फ एज पर द मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंस, मतलब लुक एंड अपियरेंस के हिसाब से, देयर आर टू टाइप ऑफ वार्ट्स। जो पहले जो वार्ट्स होते हैं वो होते हैं फ्लैट वार्ट्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। फ्लैट वार्ट्स मतलब वो मस्से जैसे उभरे हुए नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं दबे रहेंगे। फ्लैट
फ्लैट रहेंगे, दैट इज़ वाई दे आर नेम्ड एज द फ्लैट वार्ट्स। ठीक है, फ्लैट वार्ट्स का अपोजिट जो होता है दे आर क्लासिकल मसास विच वी सी अमॉन्ग द पॉपुलेशन। वॉट आर दे आर द पेडेंकुलेटेड वार्ट। पेडेंकुलेटेड वार्ट मतलब ऐसे करके, मतलब नीचे उसकी जो बेस होगा जहाँ पे मस्सा स्किन पे चिपका है वो बहुत ही पतला होगा, और वो पतला बेस ऊपर जाके एक बहुत बड़े घेरे में बन के एक पेडेंकल जैसा बना लेता है। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द पेडेंकुलेटेड वार्ट। वार्ट के क्लासिफिकेशन का एक तरीका और भी हो सकता है कि देयर आर द सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन अवर बॉडी जहाँ पे वार्ट पाए जाते हैं। वॉट आर दे आर नेक। अपन जनरली लोगों को नेक में होते हुए देखते हैं वार्ट, है ना। दे आर एट द नेक, दे आर अराउंड द जेनाइटल्स, दे आर अराउंड द अंडर आर्म। यहाँ पे अपन लोग कई बार अपने दादा नाना को यहाँ पे जब वो बनियान में रहते थे तो अपन देखा करते थे। तो देयर आर सर्टेन लोकेशंस ओवर देयर वेयर इज़ द प्रिवलेंस ऑफ द वार्ट, और अदरवाइज दे कैन हैपन एट एनी वेयर। वो पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक कहीं पे भी हो सकते हैं। तो दो प्रकार के वार्ट मैंने आपको बताया, फ्लैट वार्ट होते हैं और पेडेंकुलेटेड वार्ट्स होते हैं। उसके अलावा इनके लुक एंड अपियरेंस के हिसाब से इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक प्रकार के वार्ट्स होते हैं जो ब्लीड भी करते हैं, दे आर ब्लीडिंग वार्ट। कई वार्ट जो रहते हैं ब्राउन कलर के हो जाते हैं, एकदम डार्क ब्राउन। मोस्ट ऑफ द वार्ट्स आर ऑफ ब्राउन कलर, है ना। तो वो जो है वो पिगमेंटेड वार्ट्स बोल देते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे नाम है, उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कॉर्न का नाम सुना होगा, जो पैर के तलवों के अंदर जो कॉर्न होते हैं लोगों को, जो एक छोटा सा एक हार्ड सा स्ट्रक्चर उड़ जाता है, तो दैट कॉर्न कैन बी रिगार्डेड एज द फ्लैट वार्ट। मेरा कहने का मतलब है कि वो जो कॉर्न है उसको अंग्रेजी में और मेडिकल साइंस में उसको प्लांटर वार्ट बोला गया है। प्लांटर वार्ट मतलब ये प्लांटर सरफेस होती है, ये पाम की प्लांटर सरफेस होती है। तो ये प्लांटर सरफेस पे पाया जाने वाला एक प्रकार का वार्ट है जिसको कहते हैं प्लांटर वार्ट। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वार्ट। ये इसलिए कि मस्सों के अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किन लीसन जो लोगों में आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली देखने में आ रहा है वो है प्लांटर वार्ट। और उसको हम लोग, और उसको जनरली लोग डेजिग्नेट कर देते हैं एज द कॉर्न, या फिर चाई बोलते हैं कि चाइयाँ हो गई पैर में या कॉर्न हो गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दैट कॉर्न इज़ ऑल्सो द सब टाइप ऑफ वार्ट। ठीक है, अब एज फार एज द ट्रीटमेंट इज़ कंसर्नड, कि एलोपैथी में आप जानते हैं कि वो बेसिकली एलोपैथी में करते क्या हैं कि वो उसको जला देते हैं। जला देते हैं मतलब एक कॉटराइज़र करके एक मशीन होती है, उसको नाइट्रिक एसिड के अंदर डुबाया जाता है और गर्म करके इनको काट दिया जाता है। मैंने अपनी 15 साल की प्रैक्टिस में कम से कम 50 बार ये चीज़ देख ली है कि इस शॉर्टकट तरीके से जब वार्ट्स को ठीक किया जाता है तो दिस इज़ द थंब रूल कि वो आएंगे ही। आप एक निकालोगे उसके बदले में 5 आएंगे, आप एक निकालोगे मैंने उसके बदले में 50 भी आते देखे, आप एक निकालोगे उसके बदले में 10 आ जाएंगे। ये मैंने देखा है, और एक बार नहीं 50 बार देखा है। तो अकॉर्डिंग टू एलोपैथी दे बेसिकली डू द कॉटराइजेशन, या फिर वो एक प्रकार का जो कहिया होता है ना, जैसे अपन वो शोल्डर होता है जो वायर को शोल्डर करने के लिए, वो वैसा कुछ रहता है, उससे गर्म करके इनको ये काट देते हैं। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट प्रोसीजर, क्योंकि आप एक निकालते हो तो उसकी जगह 2 से लेके कितने भी नंबर में आ सकते हैं दूसरे वार्ट। तो अब ले दे के बचे हम, मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर इसकी जो है बड़ी आराम से बड़ा सीधा सीधा इलाज है, मेडिसिन है। सिर्फ 4 मेडिसिन बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेडिसिन बदल जाती है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द वार्ट मेडिसिन बदल जाती है, अकॉर्डिंग टू लुक एंड अपियरेंस ऑफ द वार्ट तब भी मेडिसिन बदल जाती है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पर मैं आपको जो 4 मेडिसिन बता रहा हूँ, ये 4 मेडिसिन में से रेंडमली आप 3 मेडिसिन भी अगर खुद लोगे एज अ पेशेंट, या फिर अगर कोई डॉक्टर बंधु देख रहे हैं वो अपने पेशेंट को देंगे, तो फ़ायदा होना बिल्कुल तय है। वो जो 4 मेडिसिन हैं, एक है थूजा और दूसरी है नाइट्रिक एसिड, तीसरी है कॉस्टिकम और चौथी है एंटीमक्रूट। अभी जो पहली 2 मेडिसिन है थूजा
और नाइट्रिक एसिड। देखिए थूजा के बारे में हर कोई मेरे से जानता है, हर कोई जानता है थूजा। आज के तारीख पे लोगों को व्हाट्सएप पे पता है, व्हाट्सएप पे चल रहा है कि भाई मस्से में थूजा लगा लो, थूजा खा लो, ठीक है। फेसबुक पे चल रहा है, हर बंदा जानता है थूजा के बारे में, पर थूजा जनरली काम नहीं करती। और मैं क्यों बता रहा हूँ थूजा, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि काम नहीं करती तब मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है कि थूजा जो है वो दैट इज़ नेसेसरी इन द केस ऑफ वार टू सप्रेस द साइकोटिक मायसम। अब लोग करते क्या है कि साइकोटिक मायसम तो सप्रेस करके बैठ जाते हैं थूजा लगा के और थूजा खा के, पर उसके बाद प्रॉपर मेडिसिन भी तो लेनी पड़ेगी ना भाई मस्से की, कि वो कौन सी प्रॉपर मेडिसिन होगी जो मस्से को ठीक करने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए थूजा। दूसरी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज़ वन ऑफ द येट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द साइकोटिक मायसम, नाइट्रिक एसिड। और जो दो मेडिसिन है जो विच वर्क अनकंडीशनली ऑन द वार्ट अलॉन्ग विद दीज टू मेडिसिन, दे आर कॉस्टिकम एंड एंटीमक्रूट। इन माई कैरियर आई हैड ट्रीटेड एट लीस्ट 1000 केसेस ऑफ वार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दीज फोर मेडिसिन which are deployed during the different phase of treatment and during the different time in the treatment। तो ये चार दवाओं से मैंने 1000 केसेस सही करे हैं। इन दवाओं को आप लोग अगर मरीज़ हैं तो आप लोग खुद भी ले सकते हैं किसी भी प्रैक्टिशनर की सलाह के बाद, अपने डॉक्टर की सलाह के बाद। और अगर आप मेरे कोई स्टूडेंट हैं या फिर कोई होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, तो आप भी अपने पेशेंट को बिंदास दे सकते हैं केस की स्टडी करके। चारों देने की ज़रूरत नहीं है, पर चारों में से एटलीस्ट 2-3 यू कैन यूज़ देम। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं, उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। नमस्कार।